आपने इस अद्भुत शहर के साथ मेरा बंधन और ही मजबूत कर दिया है। इस शहर के साथ मेरी बचपन की बहुत खूबसूरत खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई थी। बटलर प्लाजा का पान, बीआई बाजार की जलेबी, चमन का चाट, किप्स का मिल्क शेक, आर्मी स्कूल, सेंट मारिया गुरेटी। एक आखिरी बात कहना चाहूँगी, एक वादा कि मैं बहुत जल्द बरेली वापस आऊँगी। अपना शहर, यह बात कहने में जो खुशी मिलती है वो और कहाँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने शहर बरेली यूपी 25 की बात करेंगे। इसी कारण से यह वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं बरेली की खूबसूरती को आप सबसे रूबरू कराऊंगा, जिसको देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। दोस्तों, यह वही बरेली है जिसका नाम शायद ही कोई भारतीय ना जानता हो, क्योंकि यह गाना तो हर भारतीय ने ही सुना होगा। यह वही बरेली है जो अपने विश्व प्रसिद्ध 5 प्राचीन शिव मंदिरों के लिए एवं आला हजरत दरगाह के लिए जाना जाता है। यह वही बरेली है जो अपने जरी, बांस, सूरमा और माझा पतंग के लिए बहुत जाना जाता है। और इस शहर का इतिहास सीधा महाभारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि बरेली में द्रौपदी का जन्म हुआ था। और दोस्तों, यह सब बातें तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और दिशा पाटनी जैसी बड़ी हस्तियां बरेली से ही हैं। यह सारी बातें हर बरेली वाले के सर को फक्र से ऊंचा करती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा और यह है आपका अपना चैनल नॉलेज डेस्टिनेशन। बरेली भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है। यह शहर सिर्फ शहर ही नहीं, हम बरेली वालों का प्यार और अभिमान है। यह शहर बरेली मंडल की राजधानी और रोहिलखंड का भौगोलिक क्षेत्र है। मित्रों, बरेली शहर राज्य की राजधानी लखनऊ से उत्तर पश्चिम में 252 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 250 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। दोस्तों, यह शहर पवित्र रामगंगा नदी पर स्थित है, जो कि इसको एक सकारात्मक दृष्टि देता है। और यहाँ के एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम संतोष गंगवार है एवं मेयर का नाम उमेश गौतम है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, बरेली शहर का इतिहास सीधा महाभारत से जुड़ा हुआ है, जो कि शहर के कई रहस्यों को दर्शाता है और बताता है कि यह शहर कितना ऐतिहासिक है। तो चलिए दोस्तों, इसके इतिहास के पन्ने खोलते हैं और बताते हैं आपको यहाँ की विचित्र बातें। मित्रों, बरेली की स्थापना 1537 में जगत सिंह कटेरिया ने की थी, जो एक राजपूत थे, जिन्होंने अपने दो बेटों बसलदेव और बलारदेव के नाम पर इसका नाम बरेली रखा था। दोस्तों, एक इतिहासकार बुदायूनी ने इस शहर का उल्लेख किया है, जिन्होंने लिखा है कि हुसैन कुली खान को बरेली और संभल का गवर्नर नियुक्त किया गया था और आधुनिक शहर बरेली की नींव मुगल गवर्नर मुकरंद राय ने 1655 में रखी थी और 1668 में बरेली बदायूं प्रांत का मुख्यालय बन गया। दोस्तों, महाकाव्य महाभारत के अनुसार बरेली क्षेत्र को द्रौपदी का जन्म कहा जाता है, जिसे भगवान कृष्ण द्वारा पांचली भी कहा जाता था। महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने तो द्रौपदी उनकी रानी बन गई थी। और मित्रों, लोक कथाओं का कहना है कि गौतम बुद्ध ने एक बार बरेली के प्राचीन किले शहर का दौरा किया था। दोस्तों, बरेली एक ऐतिहासिक शहर है, यह बात तो आप मान ही गए होंगे, और इतना समृद्ध इतिहास इस शहर का होना काफी समृद्ध बात है। दोस्तों, बरेली एक सुंदर शहर है और इसके आसपास काफी सुंदर और प्रसिद्ध जिले हैं। मित्रों, इसके पूर्व में पीलीभीत और शाहजहांपुर, पश्चिम में रामपुर, उत्तर में उधम सिंह नगर और दक्षिण में बदायूं स्थित है।
दोस्तों, बरेली की मिट्टी उपजाऊ है जो किसानों के लिए लाभदायक है। इसके उत्तर में एक वर्षा वन भी है जिसे तराई के नाम से जाना जाता है और यह शहर समुद्र तल से लगभग 252 मीटर यानी 827 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ रामगंगा की दो सहायक नदियाँ देवरानियन और नागतिया होकर गुजरती हैं। बरेली का ऐतिहासिक केंद्र रामगंगा के बाईं ओर लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और मित्रों, यह बात जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे कि बरेली के सिविल लाइंस और बरेली कैंट ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किए गए थे। साथ ही ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ कुछ औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किए गए थे जिनमें सीबीगंज और इज्जत नगर आते हैं। दोस्तों, बरेली का शहरी क्षेत्र 106 वर्ग किलोमीटर यानी 41 वर्ग मील है, जबकि इसका महानगरीय क्षेत्र 123 वर्ग किलोमीटर यानी 47 वर्ग मील है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बरेली की कुल जनसंख्या 903,668 थी, जिसमें 477,927 पुरुष और 426,771 महिलाएं थीं। शहर का लिंग अनुपात हर 1,000 पुरुषों पर 895 महिलाओं का है एवं यहां का साक्षरता दर लगभग 60% का है, जो दर्शाता है कि यहां के ज्यादातर लोग शिक्षित हैं। मित्रों, यहां कई सारे धर्म वास करते हैं जो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और यहां हर कोई एक दूसरे के धर्म का सम्मान करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों, यहां हिंदू धर्म बहुसंख्यक धर्म है जो कि 58.58% है। यहां इस्लाम धर्म 38.80% है एवं सिख धर्म 0.9% है। और भी कई धर्म जैसे ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म यहां वास करते हैं। दोस्तों, बरेली अपने सूरमा, पतंग और कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन उसी के साथ बरेली का खान पान, स्वादिष्ट भोजन और स्ट्रीट फूड के तो क्या ही कहने हैं, क्योंकि यहाँ खाने पीने के शौकीन लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है। मित्रों, बरेली में व्यंजनों में मुगल व्यंजनों और संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रभाव है एवं यहाँ बहुत सी ऐसी स्वादिष्ट चीज़ें मिलती हैं जिनको अगर आप खाएंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे, जिनमें सीख कबाब, छोटे लाल की टिक्की, भारतीय स्ट्रीट फूड गोलगप्पे, चमन की चाट, दीनानाथ की लस्सी, रेवड़ी और गजक, त्यागी के छोले भटूरे, बरेली की बर्फी और बहुत कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा जो आपकी उंगलियां चाटने को आपको मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप कभी बरेली आते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। मित्रों, बरेली जैसे सुंदर शहर में खोजने और घूमने के लिए बहुत कुछ है जो आपको शांति के साथ मौज मस्ती कराने का अवसर भी देता है। तो बरेली की कुछ प्रसिद्ध जगहें जैसे फिनिक्स यूनाइटेड मॉल, फन सिटी, जाट रेजिमेंटल सेंटर, चुन्ने मियां लक्ष्मी नारायण मंदिर, प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह जो इतनी प्रसिद्ध है कि यहां दुनिया भर से लोग दर्शन करने आते हैं, यह पवित्र स्थान आपके अंतर मन को शांति देता है और इस दरगाह की वजह से बरेली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और दोस्तों, बरेली में भगवान शिव को समर्पित 7 प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जिनमें धोपेश्वर नाथ, मणिनाथ, अलखनाथ, तपेश्वर नाथ, बनखंडी नाथ, पशुपति नाथ और त्रिवती नाथ आते हैं, जिस कारण से इस शहर को नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इन प्रसिद्ध मंदिरों को घूमने दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। दोस्तों, बरेली अपने सुरक्षा बल के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहां वायुसेना के बेस के साथ साथ प्रतापशाली जाट रेजिमेंटल सेंटर और बरेली रेजिमेंटल सेंटर है। और दोस्तों, यह बात आपको जानकर हैरानी होगी कि बरेली सुरक्षा बल के समक्ष 5 युद्ध सम्मान, 8 महावीर चक्र,
8 कीर्ति चक्र, 32 शौर्य चक्र, 37 वीर चक्र और कई सारे सम्मानों से नवाजा गया है। वो कहते हैं ना, आंकड़े सिर्फ ताकत के लगाए जाते हैं, हौसलों के नहीं, और हौसले हमारे अंदर बसे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा बरेली वासियों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियोस लगातार देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।